फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आइए हम लोग इस वीडियो में सिंथेसिस के कुछ एग्जांपल्स का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो सिंथेसिस होता है तीन शीर्षकों के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज होती है, एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लाज होती है जो किसी न किसी सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है, और कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाज होता है जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स तो आइए फ्रेंड्स हम इसमें जो है इसमें तीनों का मिक्सचर है हम अध्ययन करेंगे, और यदि आपने पहले नियम पढ़ा होगा तो बताने पर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए पहला है द रोज हैज थॉर्न्स, कह रहा है कि गुलाब में कांटे होते हैं, और दूसरा सेंटेंस है दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। अभी देखिए ये दोनों एक सिंपल सेंटेंस है, ये भी सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब हैज है, और इसमें ये भी सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब इज है। अब इसको मिलाकर के हमको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इसमें दो अलग अलग सेंटेंस है तो दो अलग अलग फाइनाइट वर्ब है, जब हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, और तो क्या करेंगे कि उसमें जो इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य के जो फाइनाइट वर्ब है उसको नॉन फाइनाइट में चेंज कर देंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए इसका अर्थ है कि द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं, इसमें एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। देखिए द रोज हैज सर्टेनली थॉर्न्स, कह रहा है कि गुलाब में निश्चित रूप से थॉर्न्स कांटे होते हैं। अब देखिए इसमें सर्टेन का सर्टेनली एडवर्ब हो गया, एडवर्ब का प्रयोग करके। अगला देखिए ही गेव अ रुपी टू अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड, कह रहा है कि उसने एक रुपए एक आदमी को दिए, वह आदमी अंधा था। अब इसको हमको बदलना है सिंपल में, सिंपल बदलने के लिए हमें एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी होगी। फिर से देखिए उसने ही गेव अ रुपी टू मैन, उसने एक आदमी को एक रुपए दिए, द मैन वॉज ब्लाइंड, आदमी अंधा था। तो आप इसको इस तरह एक में कर सकते हैं कि उसने एक अंधे आदमी को एक रुपए दिए, या उसने एक अंधे आदमी को एक रुपया दिया। अब इसमें देखिए ही गेव अ रुपी टू अ ब्लाइंड मैन, कह रहा है कि उसने एक रुपया एक अंधे आदमी को दिया। इसमें देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब है ये गेव, और ऊपर वाले में भी देखिए इसमें केवल हैज एक ही फाइनाइट वर्ब है जिससे टेंस की जानकारी हो रही है, इसमें भी टेंस की जानकारी हो रही है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं याद रहता है तो क्या होता है कभी सिंपल का कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड में हो जाता है। तो स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। थर्ड देखिए इट वॉज अ हॉलीडे, यह छुट्टी का दिन था, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, छात्र स्कूल नहीं गए। कह रहा है कि इट वॉज अ हॉलीडे, यह छुट्टी का दिन था, छात्र स्कूल नहीं गए। अब इसको किसने बदलना है, इसको भी सिंपल में ही बदलना है। तो फिर देखिए कैसे बनाया है, सर इसमें थोड़ा गलत लिखा है, इसमें इट का इट लगेगा ऐसे, इट बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने पर या छुट्टी का दिन होने पर द स्टूडेंट डिड नॉट गो टू स्कूल, छात्र स्कूल नहीं गए। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, अब ये इसमें बीइंग और इसमें जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है बीइंग, और जबकि इसमें गो जो है ये फाइनाइट वर्ब है। किसमें थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। दूसरा वाक्य है देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा सेल्फलेस निस्वार्थ होती है। पहले का अर्थ है ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, और दूसरा वाक्य देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। अब इसको बदलना है सिंपल में हमको, अर्थात हमको केवल एक ही फाइनाइट वर्ब रखना है। तो फ्रेंड्स हम इसको इस तरह अगर वाक्य एक में करें, पहले हिंदी में कर लीजिएगा तो आसानी समझ में आ जाता है कि महान लोग अपने देश की सेवा निस्वार्थ रूप से करते हैं, निस्वार्थ रूप से। अब ये एडवर्ब हो गया सेल्फलेस का, सेल्फलेसली हो गया। आइए देखते हैं, देखिए यहां पर है ग्रेट पीपुल, महान लोग सर्व, ग्रेट पीपुल महान लोग सर्व देयर कंट्री, अपने देश की सेवा करते हैं सेल्फलेसली निस्वार्थ रूप से। देखिए सिंपल सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है सर्व।
अगला देखिए क्वेश्चन फाइव है, द वेदर वॉज फाइन, मौसम अच्छा था, वी एंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया, एंजॉयमेंट से आनंद लेना, कह रहा है कि द वेदर वॉज फाइन, मौसम अच्छा था, वी एंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया, इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में फ्रेंड्स। देखिए किस तरह चेंज किया है, द वेदर बींग फाइन, मौसम अच्छा होने पर, वी एंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया। देखिए यहां पर ये बींग जेंड के रूप में प्रयोग किया गया है, बींग ये जेंड के रूप में है, ये नॉन फाइनाइट है, जबकि ही वी एंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया, ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इससे टेंस की जानकारी हो रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। देखिए ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट होम, वह घर चला गया, उसने अपना काम समाप्त किया, वह घर चला गया, इसको बदलना है सिंपल में। तो सिंपल में आप जानते हैं कि एक कार्य होने के बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, दोनों कार्यों के बीच में थोड़ा समय अंतराल होता है, तो उसको हम बनाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। तो देखिए नीचे इसे चेंज किया है, देखिए फ्रेंड सॉरी फ्रेंड्स ये नहीं होगा, ये गलत दिया है, ये नहीं, यहां से रहेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज अपना काम समाप्त करके ही वेंट होम, वह घर चला गया, अपना काम समाप्त करके वह घर चला गया। इसमें फ्रेंड्स चूंकि ये दोनों तरीके से बनाया है लेकिन फिनिशिंग नहीं लगेगा, ये गलत है, इस तरह लगेगा कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करके ही वेंट हुआ घर चला गया, जबकि पार्टिसिपल में क्या होता है कि पहला काम दूसरे का परिणाम होता है या दूसरे कार्य के लिए पहला कार्य किया जाता है और दोनों में समय अंतराल बिल्कुल ही नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, बाबर डिफिटेड लोदी, बाबर ने डिफिटेड, डिफिटेड होता है हराना, बाबर ने लोदी को हरा दिया, बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था, तुर्क का मतलब तुर्की का रहने वाला, लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत का सम्राट था। अब देखिए इसमें इसको भी सिंपल में ही बदलना है, तो अभी ये जो है केस इन अपोजिशन का प्रयोग होकर के फ्रेंड्स ये सिंपल में बदलेगा। आप जानते हैं कि जब केस इन अपोजिशन इसमें होता है कि आपने पढ़ा होगा, एक हेडिंग पढ़ी होगी सिंथेसिस में, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, इसमें क्या होता है कि किसी नाउन की व्याख्या किसी दूसरे नाउन द्वारा की जाती है या किसी नाउन की व्याख्या जो है कुछ शब्द या कुछ फ्रेज मिलाकर के उसकी व्याख्या करते हैं, तो हम जो व्याख्या करते हैं उसको हम उसके पास में रख देते हैं। अब देखिए जिससे इसमें क्या है कि बाबर, बाबर क्या था, बाबर वास तुर्क, बाबर एक तुर्क था, इसमें क्या करा है, बाबर ने लोधी खुराया, लोधी क्या था, लोधी जो है भारत का सम्राट था, तो हम दोनों को उसके इन दोनों नाउन के बगल में रख देंगे जो जिसकी व्याख्या करा है। देखिए किस तरह किया है, देखिए बाबर अतुर्क, बाबर एक तुर्क, देखिए जिसको अपोजिशन रखते हैं उसको दो कामा के बीच में रखते हैं क्योंकि बाबर की व्याख्या क्या कर रहा है, अतुर्क, बाबर क्या था, एक तुर्क था, डिफिटेड लोदी, लोदी को हरा दिया, और लोदी कौन था, द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट, सॉरी फ्रेंड्स यहां पर ये कॉमा लगाना भूल गया है, यहां पर कॉमा रहेगा क्योंकि ये द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट किसके बारे में कहा गया, लोदी की, लोदी की व्याख्या कर रहा है, तो उसके तो ये जो है द एम्परर ऑफ इंडिया जो है लोदी के अपोजिशन रहेगा। अगला देखिए, यू आर ए लॉयर, यू आर ए लॉयर, तुम झूठे हो, दिस इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, यू आर ए लॉयर, तुम झूठे हो, दिस इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लाज होती है, एक या एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लाज होती है जो किसी न किसी सबॉर्डिनेट कंडीशन से जुड़ी होती है। अब इसको देखिए हम लोग एक बार इसको हिंदी में कंबाइन कर लें, जैसे कर रहा है कि यू आर लायर, तुम झूठे हो, दिस इज नॉन टू ऑल, सभी जानते हैं, तो यह सभी जानते हैं कि तुम झूठे हो, यह सभी जानते हैं कि तुम झूठे हो, की के लिए क्या लगता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर लिखा है दिस इज नॉन टू ऑल, है ना, इससे यह सभी जानते हैं दैट की यू आर ए लॉयर, तुम झूठे हो। अब इसमें देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया क्योंकि दिस इज नॉन टू ऑल, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, दैट यू आर लॉयर की तुम एक चोर हो, यह सबॉर्डिनेट क्लास हो गया और यह सबॉर्डिनेट कंजंक्शन दैट से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते, पहले सेंटेंस का अर्थ है कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, दूसरे का अर्थ है कि वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। अब इसको भी बदलना है कॉम्प्लेक्स में, अर्थात एक प्रिंसिपल क्लास होगी या क्या, एक से अधिक सबॉर्डिनेट क्लास होगी और सबॉर्डिनेट कंडीशन से जुड़ा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह भी हो सकता है कि हम आशा करते हैं कि तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे, अब की के लिए दैट का प्रयोग, देखिए
वी होप, हम आशा करते हैं दैट कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्द ठीक हो जाएंगे. वी होप प्रिंसिपल क्लास है और दैट योर फादर विल सून रिकवर ये सबॉर्डिनेट क्लास है. आगे देखिए टेंथ, ही सॉ द कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल को देखा. ही इमीडिएटली टुक टू हिल्स, टुक टू हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, वह तुरंत भाग गया. ही सॉ द कांस्टेबल, उसने कांस्टेबल को देखा. ही इमीडिएटली टुक टू हिल्स, वह तुरंत भाग गया. इसको भी कॉम्प्लिकेशन में बदलना है तो देखिए किस तरह चेंज किया है. When he saw the constable, जब उसने कांस्टेबल को देखा, he immediately took to his heels, तो वह तुरंत भाग गया. अब इसको आप चाहे तो as soon as भी बना देंगे, लेकिन as soon as से शायद when से ज्यादा उपयुक्त होगा कि as soon as से बनाए. इसको ऐसे बना सकते हैं कि as soon as he saw the constable, बस कॉमा लगाकर सेम उसी तरह. When के स्थान पर as soon as का भी प्रयोग कर सकते हैं. As soon as का मतलब होता है ज्यों ही. बनाने के लिए तो यहां पर no sooner से भी बना सकते हैं, लेकिन no sooner थोड़ा सा कठिन हो जाएगा. आगे देखिए टेंथ है कि सॉरी इलेवेंथ है कि ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन. ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का पुत्र है. ही इज वेरी शार्प माइंडेड, वह बहुत तेज दिमाग का है. पहले का अर्थ है वह एक गणितज्ञ का पुत्र है और ही इज वेरी शार्प माइंडेड, वह बहुत तेज दिमाग का है. इसको बदलना है कंपाउंड में. अब कंपाउंड में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास होती है जो किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती है. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि दोनों पद दोनों क्लास जो है वो अपने में समान अर्थ वाले हों. देखिए इसमें इलेवेंथ है कि ही इज द सन ऑफ अ मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का बेटा है. सो इसलिए ही इज वेरी शार्प माइंडेड, वह बहुत तेज दिमाग का लड़का है. ही इज द सन ऑफ ए मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ का लड़का है. सो इसलिए ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड मैन, वह बहुत तेज दिमाग का लड़का है. अब इसमें देखिए ये यहां से लेकर ही से लेकर मैथमेटिशियन तक, ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये हो गया प्रिंसिपल क्लास, और यहां से सो ही इज अ वेरी शार्प माइंडेड ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, जो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन सो से जुड़ा हुआ है. आइए ट्वेल्थ नंबर देखते हैं. ही इज लेजी, वह आलसी है. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त की. देखिए ही इज लेजी, वह आलसी है, उसने अच्छे अंक प्राप्त किया. अब देखिए इसमें विरोधाभास है, वह आलसी है लेकिन अच्छे अंक प्राप्त भी कर रहा है. तो इसको हमको बदलना है कंपाउंड में. तो जहां विरोधाभास रहता है वहां पर हम जो है स्टील का या एट का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि वह ही इज लेजी, वह आलसी है, फिर भी उसने अच्छे अंक प्राप्त की. देखिए ही इज लेजी, वह आलसी स्टील, फिर भी ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए. यहाँ स्टील के स्थान पर एट का भी प्रयोग कर सकते हैं.